जाकर एकांत होकर तंत्र सिद्धि के प्रयोग करती जानिए वह सिद्धि भूमि छो वो आई जो कहिए लोग माने ये एक तो नेपाल के अब है मियाँ काल्हो कुमार रुपया दे गए वो प्रसाद नहीं लिया ढौआ ल कर लड्डू किन कर से चढ़ा दिल बाबा के मुसलमान कतेको मुसलमान बेटा नहीं होते है बिछिया के बेटी के अल भली बाबा की भगल तो बेटा भगल केना न मनता जय भावना से जे नहाइए चमकी बैठे नहीं जय भावना से जे नहाइए जना कैंसर वाला प्रत्यक्ष हम छी प्रमाण जे हम तो कैंसर ला नहेल हमरा वह भेट गेल जय भावना से नहालू मनोवांछित फल भेटत मिथिलाक प्रसिद्ध संत संत शिरोमणि परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई एतहि पंडित रत्ते झासँ ज्योतिष आ तंत्र विद्या सिखलनि एतौ लक्ष्मीनाथ गोसाई जीक कुटी विद्यमान अछि अन्य कुटी के भांति एतौ नित्य संध्या काल गोसाई जीक लेल बिछावन होइत अछि मान्यता अछि बाबा रात्रि विश्राम करैत छथि खराम सेहो राखल भक्तगण नित्य बाबाजीक दर्शनाभिलाषी रहैत छथि लक्ष्मीनाथ गोसाई जी जाहि समयमे एतऽ पिताजी दऽ गेलखिन मिथिलाञ्चलके सर्वश्रेष्ठ रत्ते बाबाक ज्योतिष विद्यालय और तंत्र सिद्धि के विद्यालय चलै छलनि ताहिमे ज्योतिष पढ़ लेल दौड़ी लेकिन बाबाक जिज्ञासा देख तंत्र सिद्धिक इच्छा भेलनि ताहिसँ रत्ते बाबाके सान्निध्यमे गुरु मानि ओ तंत्र सिद्धि कऽ गुरु दक्षिणा दऽ आओर परिश्रमा कर लौट गेला ताहि क्रम में ई पोखर पूर्णी पोखर सेहो कहल जाइ छै ए पोखर के मार्कण्डे रत्ते बाबा के बेटा मार्कण्डे झा कोरबा लगलखिन जे अधूरा भ गेलै और बिजनी पचोजा बहुत निकललै अधूरा भ गेलै ओ जे है से पड़ल रहि गेलै कहलखिन लक्ष्मिया के बजा ला लक्ष्मी झा गोसाई बाबा जे एलखिन कहलखिन तोरे आबि कोरबऽ पड़तौ हुनका गुरु के आदेश छ अइ पोखर के निर्माण लक्ष्मीनाथ गोसाई बाबा कलथिन आ एहिमे शिवलिंग एकटा भेटलन कोरक क्रम में जे रतेश्वरनाथ कहि कऽ स्थापित पुरवरिया भिंडा पर कह दिलखिन मंदिर बना दिलखिन दीवाल दऽ दिलखिन और ओ अखन तक हुनकर बनाओल जे भैरव मंदिर ताकि मुखिया बना दिलखिन हैं लेकिन ओ जड़ि ओकर स्थित छै पोखरि रवि दिन कऽ बाबा कृपासँ जे किछु स्नान केलक मनोवांछित फल लोक पबैया 7 फीट मुखिया खोरबै छला तऽ डोजरसँ जे माटि निकालि देलकै जाहि माटिके तौरसँ एकटा सरल खड़ाव निकललै ओ खड़ाव भेटैत हमरा मन कहलक जे 7 फीट भीतरसँ ई लवलव करैत जे माटि बुझाइ छै जेना घीसँ सानल होइ ओ जे अइ से माटि आओर खड़ाव भेटल जे हमरा लग एखन अइ हम ओकर ब्रॉडकास्ट नहि केलियै ओ खड़ाव प्रेरणा कऽ कऽ हमरा लऽ गेल जाहिमे रमन जी रहत बनगाँव बनगाँव गेलहुँ महिषी गेलहुँ ओतऽसँ आबि प्रेरणा भेल रहे ई बाबाक मन्दिर एकटा बना ली यथाशाध जे हमरा विभव रहै जमीन तमीन बेचकऽ बाबाक ओहिठाम
या प्रतिमो जे अखन छनि से हम कहलियनि हो बड़का एकटा फोटो लाबे ने तऽ पिताजी हिनकर महाभक्त रहथिन रमन जी के, तब ओ जे भैया हिनकर बड़का बनौने रहथिन वएह छै आ ओहि प्रेरणासँ से लोक अबैए मनोवांछित फल पबैए। गोसाई परिसर में लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर सेहो अवस्थित अछि। आ नित्य पूजित होइत छथि। लक्ष्मी नारायण के बारे में पूछने छलहुँ अहाँ, ई कोना मंदिर भेलै? हमर बाबा ई कोना के माटी उठा के जे देथिन स्वर्गीय गेनालाल चौधरी, माटी उठा के जकरा देथिन ओकर कल्याण भऽ जाइ, बुझलहुँ? तऽ ओ कहलखिन अपना नौ दऽ कऽ 1930 मे से अपना बेटा के जे तो लक्ष्मी नारायण के स्थापना जे कर दिह आ लक्ष्मीनाथ गोसाई के नाम सँ से कोन जमीन जायदाद छनि से हुनकर भजन मे लागल रहिए, तऽ पितोजी हमर से हुनकर रहलखिन मानैत आ हमरा तऽ रखने छथि ओ, हुनके कृपा तऽ ब्लड कैंसर हमरा भऽ गेल आ हम कहीं सब कहलक डॉक्टर जे 2.5 महीना आ ई 2.5-3 बरिस भऽ गेलै आखिर कते बरिस लगतै। पोखरीक पूरब कात सुंदर रतेश्वरनाथ महादेव मंदिर आ बगल में भैरव मंदिर अवस्थित अछि। कहल जायत अछि लक्ष्मीनाथ गोस्वामी द्वारा गुरु रत्ते झाक समाधि पर रतेश्वर मंदिर स्थापित अछि। भैरव जी का स्थापना सेहो गोसाई जी स्वयं केने छथि। हम सब बहुत छोट छलहुँ, बहुत छोट, तो देखिए जो पोखरि के चारू कात कोरा रहल छै, बुझलहुँ? तो ई कोना पर जे जन सब कोरऽ लगलै तऽ सुगन्ध जे अइ से बहुत निकललै ओहिसँ, आ ओ सुगन्ध जे निकललै तऽ जे सब रहथिन प्रमुख वर्तमानमे जेना नागेबाबू रहथिन, बैदी काकाजी रहथिन, ओ हमरो पिताजी रहथिन, एहि टोलके आओर पंडितजी सब जे उपलब्ध रहथिन सबके जुड़लखिन गम गम करैत, कहलखिन झाँपऽ 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 लबालब बुझाइ जेना हवन कयल छै ओहिके झम्पा देलखिन, याद अइ हमरा ओ दिन, बुझलहुँ? तऽ हुनकर तऽ महिमा मनोवांछित फल लोक पबैए आ रत्ते बाबाके देखै छियनि 7 महीना भरि हम से कोनो दवाइ शुगरके नहि खेलियै, चन्दा करी बाबाके दयासँ आ हर हर महादेव बाबेके बनाओल मन्दिर बाबेके नावपर गोपाल बाबू चित्तेश्वर कहलनि भीख मंगवा हौ बाबा लागी, कहलखिन जे हँ मंगबै, तऽ सब केओ भीख माँगिके लबथिन आ हम बैठ कऽ जे से सब करी, अथीके बाद अपनो भीख माँगऽ लगली, जकरा जे कहलियै बाबाके नाम पर ओ कंजूससँ कंजूस आदमी बहुत ज्यादा उदार भऽ गेल, आ ओ जनकपुर गेलहुँ, कहाँ गेलहुँ कहाँ गेलहुँ, जहाँ जहाँ लऽ गेलथि। तऽ इएह हिनकर एखन लक्ष्मीनाथ गोसाई परिसरके पुवारी मोहरपर छी, इसमे ई मंदिर रत्नेश्वरनाथ महादेव के परिसर अछि और ई महादेव लक्ष्मीनाथ गोसाई द्वारा स्थापित कयल गेल अछि। एक ई मंदिर शिव मंदिर और एहिके बगल मे एक भैरव मंदिर अछि सेहो लक्ष्मीनाथ गोसाई द्वारा स्थापित कयल गेल अछि। लक्ष्मीनाथ गोसाई परिवहन छलाह और ई एहिठमन शिक्षा प्राप्त के लेल रत्ते झा के ओहिठाम आयल छलाह है, तैं ई रत्नेश्वरनाथ महादेव आ ई जे महादेव ठीक से रत्नेश्वर जे रत्ते झा के अथी पर समाधि स्थल पर बनल छनि क आ एकटा बहुत भव्य मंदिर बहुत सुंदर ई मंदिर जे छल से 1988 के भूकंप में खसि पड़ल छल, दोबारा जे छै से समाज द्वारा एकर जीर्णोद्धार कयल गेल और एहिठमन शिवरात्रि के दिन और पूरा सोमवार के जे 5 टा सोम होइए ते समय बहुत भीड़ लगे छे, मेला लगे छे और ऐसे पुरान जग समय में एहिठमन मकर में रवि दिन का सेहो मेला लगे छल क और ई एकटा बहुत पुण्य भूमि अछि लक्ष्मीनाथ परिसर के सिने
और ये लक्ष्मीनाथ जो पोखर देखे जो पहाड़ पर लक्ष्मीनाथ जो एहिठाम सिद्धि प्राप्त कला एहिठाम जो तांत्रिक विद्या जो प्राप्त कला ते एहिठाम पोखर के खुनबल और पोखर में खराम पर सेहो चढ़े छला है और कोण पर एक कोण छे अहाँके दक्षिणबारी पश्चिमारी और दक्षिणबारी कोण पर ओहि कोण पर एखनो रवि और मंगल के सारा तरफ से चौगामा से लक या दोसर जिला जिला से लोग आबिकऽ सब नहाय छे ओकरा नाना तरहक मनोकामना जे छे ओकरा एहिठमन पूरा होइ छे ककरो ककरो घाव भऽ गेल ककरो बच्चा नहि भेलै ककरो किछु हम स्वयं सेहो छी ओहिमे बच्चामे हमर माँ बाबू एहिठमन दादी हमर नहने छथि आइटा कोनो यंत्र देने छथि आ से हम छी बड़ा प्रसन्नक जगह छै आ ई बड़ा खुशीके बात अछि जे अहाँके हमसब एहिठाम सब आदमी सम्मिलित छी। गुरु रत्ते झा जीक डीपर एला सँ स्पष्ट होइत अछि बाबा जीक गुरुकुल एहि जगह पर रहल है। ई रत्ते बाबा के डीह छनि स्थान छनि हिनकर घर बुझियौ कुट्टी बुझियौन हिनकर रत्ते बाबा के छनि लक्ष्मीनाथ गोसाई बाबा एहिठाम सिखा एलखिन हिनका सँ ज्ञान लेबा एलखिन। आ गोसाई जी लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के तो धरोहर के रूप में हमरा सब के हिनकर कृति के याद करित रहे छी खास कर ई जे कोना पर हम अखन ठार छी ओई कोना पर रवि दिन के जतेक जनमानस में ई प्रचारित छे जे ई कोन पर स्नान केला के बाद जे शारीरिक चर्म रोग वगैरह ई सब जे कोनो छै आदमी के भ जायत ओहि कोना पर नहेला के बाद ओ जे छै से ओहिसँ मुक्त भऽ जाइए आ नहायसँ पूर्व जे छै से कपड़ा के जे छै से मतलब पहिर के स्नान करैए आ ओकरा त्यागि दै छै ओहिठाम जहन ओकर सबटा सम्पन्न भऽ जाइ छै क्रिया तऽ ओ अपन प्रदक्षिणा करैत पोखरि के कातसँ निकलि जाइ छथि आ ओकर बाद मनोरथ पूरा भेलाके बाद गौर मौर जे छै लड्डू हिनका चढ़ा देल जाइ छनि। तऽ ई हमरा सबके जे जानल बुझल अइ जे गोसाई जी के बाल्यावस्थामे जहन हिनकर पिताजी गुरु रत्ते बाबा के एहिठाम देबऽ लेल एलखिन हैं तऽ हुनकर आब उम्र जे छल हेतनि लेकिन ई जे छै से गुरुसँ शिक्षा लेलाके बाद अहिठाम ई कोने पर जे छै से हिनकर अपन साधना के पीठ बनेने छलखिन अहिठाम ओ सिद्ध अपन भेलखिन बाबासँ कुटी रहनि हिनकर रत्ते बाबा के जे घर छलनि हँ ताहिसँ कनि की जे छै से हटल छै ओ अपन जे छै से आबि कऽ साधना अहि कोना पर शुरू करथिन ओहिठाम सिद्धि लेथिन। एहन हमहूँ सब सुनलहुँ हैं जे जहन हिनकर गुरु चलि गेलखिन हैं यानि देह त्यागि देलखिन हैं तऽ एहिठाम ओ प्रतिवर्ष अबै छलखिन हैं आओर ओ हुनका समाधि पर जे मतलब बनायल छनि हिनकर शिवलिंग जे स्थापित हुनके द्वारा करायल छनि ओहिके जे छै से ओ बीचे बीच खराम पहिर कऽ जे छै से हुनका जल अर्पण करऽके लेल एहि सरोवरे के बीचे बीच ओ चलै छलखिन हैं तऽ ई सब चीज तऽ हिनकर विशिष्ट साधना के जे छै से द्योतक छनि लेकिन एहिठाम जनमानस मे आइयो जे छै से किछु किछु कार्य जे होइत रहै छै तऽ ओहिमे हिनका लोक जे छै से कोनो ने कोनो रूप मे आब जेना ई संस्कृत विद्यालय मे एकटा छलथि हमर सभक बगल के गोबराही गाँव के चंद्रनाथ गुरुजी ओ प्रतिवर्ष जे छै से बाबा के नाम पर जे छै से कुमारि बट्टू खुअबै छलखिन से जाबे तक ओ रहलखिन बाद मे तऽ 90 के बाद जे छै से हिनकर थोड़ेक परिस्थिति अथी भऽ गेलनि लेकिन ओ अनवरत जारी रखलखिन आ से ओहिमे हमहूँ सब देखै छलियै कि जे ओ आयोजन होइ छलै आ कतौ सँ जे छै से झुंड जे छै से बाबा के 5-7 आबि जाइ छलै अनायास। तऽ ई सब चीज तऽ महिमा हमर ग्रामवासी सब आदमी जे छै से लेकिन की छै तऽ अखुनका जे जगत समय छै तऽ ओ तऽ प्रचार के बात छै तऽ हिनका पाछा जे छै से प्रचार करब मे एकटा अहाँ सनक जे छै से देखलहुँ हमरा सब जे एहिके प्रति जतेक अहाँके अनुराग अइ ताहिमे हमसब अहाँके सङ्गमे किछु कहि रहल छी आ ओना तऽ गोसाई जी के अपन जे छै से सब जतेक महिमा जतेक जे छै से हिनकर अपन बखान करब हम से बहुत कमे बुझाइए किया तऽ बहुत ग्रन्थ सबमे जे छै से बहुत बड़का बड़का विद्वान सब हिनका बारेमे किछु किछु लिखबे केलखिन हँ
ई जखन ई कोना के जे छै से ई विषय में आयल तऽ एहिठाम के जे छै से ई मंदिर देखै छियनि हिनकर ई रविनाथ चौधरी छथि हमरा गाम के जे छै से बड़ सर्वमान्य आदमी ओ एकरा जे छै से हिनका इच्छा भेलनि जे गोसाई जी के नाम पर जे छै से एकटा हम जे छै से मंदिर बना दी से ई अपन जे छै से खर्च सँ या जे लागल होनि हिनका ई 5 लाख 7 लाख जे एहिमे व्यय लेकिन ओ पूरा जे छै से अपना पैसा सँ करबेलखिन गौवा सबके जे छै से एहिमे सहयोग नहि छनि ई महादेव मंदिर हिनके द्वारा प्रयास से ई तैयार भेल छनि हिनकर जे आगा देख रहल छनि ओहो जे छै से ई जनमानस सँ लेकिन चंदा लऽ कऽ सब किछु लऽ कऽ एहिमे जे छै से हिनकर भरपूर जे छै से स्नेह छलनि आ अखनो हिनकर ई इच्छा छनि जे एहिमे गोसाई जी के जे छनि से प्रस्तर के जे छै से एकटा मूर्ति अनावरण करितौं आब तऽ ओ रुग्ण छथि भऽ गेल एहिठाम विद्या के बहुत प्रचार छल और देश देशांतर सँ लोक आबि कऽ बहुत किछु सीखऽ के अवसर प्राप्त करै छलाह लक्ष्मीनाथ गोसाई जे सहरसा मे परसरमा ग्राम निवासी छलाह है बाल्यावस्था में जखन हुनक पिताजी यज्ञोपवीत करा देलखिन शिक्षा दीक्षा के लेल प्रेरित केलखिन तो हुनका कतौ सँ ज्ञात भेलनि जे महिनाथपुर मे बहुतो विद्यापीठ चलि रहल छै आ ई सुनि कऽ हुनकर पिताजी एहिठाम ज्योतिष विद्या तंत्र विद्या सँ निष्णात पंडित रते झा के सामीप्य में गुरु रूप में शिष्य लक्ष्मीनाथ के समर्पित केलखिन बाल्यावस्था सँ लक्ष्मीनाथ में एक तेजस्वी प्रतिभा के उजागर छलनि हुनका ललाट सँ प्रकाश निकलै छलनि और गुरु रते झा हुनका ज्ञान भ गेलनि जे एहि बालक में एकटा अनन्य प्रतिभा छै ओ रते झा के परम प्रिय शिष्य बनिकऽ एहिठाम बहुत किछु ज्योतिष विद्या सेहो प्राप्त कयलनि परंतु ज्योतिष विद्या में हुनका ओतेक मन नहि लगै छलै तंत्र साधना सेहो मतलब जे छै तांत्रिक छलाह रते झा ओहि संपर्क में तंत्र साधना में लक्ष्मीनाथ गोसाई बाबा के बेसी अभिरुचि जगलनि और गुरु के सामीप्य में गुरु के मार्गदर्शन में वो बहुत किछु साधना के मार्ग प्रशस्त कऽ कऽ अपन सिद्धिकरण के पूरा चेष्टा कयलनि और सिद्ध पुरुष रूप में एहिठाम ओ भेला हुनकर कृति कतेको मतलब कथा पिहानी एहिठाम चलि रहल अछि और गोसाई पोखरि अखन वर्तमान में जै भूमि पर हम सब छी अखन विराजमान से गोसाई पोखरि के पछवरिया भिंडा अछि और नैऋत्य कोण मे एहि पोखरि के नैऋत्य कोण मे हुनकर सिद्धि स्थल छनि जे एहिठाम के समाज स्वीकार कऽ रहल अछि जे एहि जगह पर ई सिद्धि प्राप्त केने छथि एहिठाम सँ कनेके हटि कऽ हुनकर कुटी छनि जे आइ काल्हि जिनका कब्जा में छनि जिनका देख रेख में छनि ओ एकटा मंदिर बना देने छथिन जे अखन विद्यमान में अछि बिहार सरकार द्वारा जे गजट प्राप्त अछि जाहि में जोकी महिनाथपुर स्पष्ट शब्द लिख कऽ लक्ष्मीनाथ के जन्म निर्धारण सेहो केने अछि बिहार सरकार जेकर गजट छपल अछि आ ओ गजट के प्रारूप स्पष्ट अछि जे संबत 1850 आ ईस्वी 1793 हिनकर जन्म के समय निर्धारण अछि गजट में से गजट के छपल स्थित हमरा लग में उपलब्ध है ई ग्रंथ पंडित दिगंबर झा महिनापुर निवासी छला है हुनका द्वारा मिथिला एवं कालिदास ई ग्रंथ छपल जाहि में लक्ष्मीनाथ गोसाई के संबंध में बहुत विवरण प्राप्त है और परिचयात्मक जे किछ हिनका उपलब्ध भेलनि ओहि वस्तु सँ लोक परिचित नहि छल आ बाहर में जतेक लक्ष्मीनाथ गोसाई के जतौ कतौ प्रचार प्रसार भेलनि
जे किछ हुनकर मतलब संत रूप में जे किछ हुनका सबके विषय भेटलन संयोग से दुर्भाग्य से अइ जगह के क्यों बाहरों के आदमी आबि के अन्वेषण नहीं कलन कतौ कतौ इएह श्रुत होइए जे एक लाइन दू लाइन मतलब हुनका संबंध में महिनाथपुर कहि के निकल जाय छथि अइठाम अबितथि अइठाम के अनुसंधान करते तो बहुत किछ प्राप्त होते जना ई लक्ष्मीनाथ गोसाई के संबंधित ई पोखरि अछि हमर वृद्ध श्री रविनाथ चौधरी राजन चौधरी अखने प्रस्तुत कलन है जे एकर पुरना नाम छै पुरनी पोखरि लक्ष्मीनाथ गोसाई के जे गुरु छलखिन रत्ते झा एकरा जखन मतलब उद्धार करऽ के कोरऽ के मतलब आज्ञा दलखिन जे लक्ष्मीनाथ एकर उद्धार अहीं के करऽ पड़त अखने चौधरी जी बदला है तो ओहि समय में लक्ष्मीनाथ गोसाई अपन मतलब योग विद्या से कहूँ सिद्ध विद्या से कहूँ संत मतलब प्रक्रिया से कहूँ एकरा जे छै से उद्धार केलक एहि गाँव में 14 पोखरि छै जाहिमे ई अनन्य पोखरि अछि एखनो जे छै सरकार के तरफ से एहि पर जे छै से कोनो प्रतिबंध नहि लागल अछि समाज के लेल ई ओपन छै और समाज एहिसँ पूर्वे से जे छै से गोसाई जी के नाम से एहि पोखरि से लाभ लऽ रहल अछि एहिठाम के लोकक मतलब विश्वास एहन छै आ एहिठाम जीवंत मतलब ओकरा परिणाम भेटै छै दूर दूर के नेपाल से एहिठाम से संपर्की गाम सब जे ओहिठाम से जे छै चर्म रोग से बच्चा के चमकी बीमारी होइ छै ओ सब यदि लागि गेल तऽ एहिठाम जे छै से नैऋत्य कोण में हुनकर सिद्धस्थल जे छनि तऽ एहिठाम ई नियम बनल छै जे बच्चा के स्नान करबियौ बेसी लोक भरहरबा में आयल ककरो से ककरो भेंट नहीं भेल केओ टोका चाली नहीं केलक ओकरा खोम बुझे छै जे पछे से टोक देलक चाहे गप केलक तो चुपचाप बच्चा के स्नान करेलक चाहे जे केओ पीड़ित छै स्नान केलन ओ अपन वस्त्र जे छै स्नान वाला भीजल वस्त्र त्याग कऽ देलन नवीन दोसर वस्त्र अपन पहिर कऽ चुपचाप जे छै बाबा के प्रणाम कऽ कऽ झाँप चढ़ा कऽ मिठाई कबला कऽ कऽ धूप अगरबत्ती दऽ कऽ बाबा के जे छै सेवा एहिठाम बाबे के समय से अनवरत एखन तक चलि रहल अछि जेकि एहिठाम घाटो पर हुनकर सिद्धस्थल पर बहुतो वस्त्र एखनो पड़ल अछि आ बहुतो जे छै झाँप एहिठाम चढ़ैत